नमस्कार, मैं भाग्यश्री डोंगे वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की दुर्घटना में घायल हुए वारकरियों को मदद, प्रशासन को दिए निर्देश। नागपुर में मानसून दाखिल, सुबह से लगभग सारे इलाकों में हुई भारी बारिश। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का हवाई अड्डे पर किया गया स्वागत। विस्तार से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सड़क दुर्घटना में घायल हुए सभी वारकरियों का सांगली में तात्काल इलाज करने और जरूरत पड़ने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराने के निर्देश दिए। मिराज के जिला चिकित्सा अधिकारी से दुर्घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने खर्च पर इन वारकरियों का इलाज करने की तत्परता दिखाई है। मिराज पंडरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करेवाड़ी कांटे के पास आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। दुर्घटना में 14 वारकरी घायल हो गए, जब एक पिकअप जीप आषाढ़ी वारी के लिए पंडरपुर जा रहे वारकरियों के काफिले में जा घुसी। घायलों को आगे के इलाज के लिए मिराज सिविल और कवथे महकल ग्रामीण अस्पताल में ले जाया गया। इस हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद मिर्जा के जिला चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर रूपेश शिंदे को बुलाया और इन वारकरियों की प्रकृति के बारे में पूछताछ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी वारकरियों को जिन उपचारों की जरूरत है वो उन्हें देने चाहिए, ऐसे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए हैं। सड़क हादसे में घायल हुए वारकरियों की हालत अब स्थिर है और उनका आगे का इलाज चल रहा है। तुम्ही काळजी घ्या, त्यांना मेडिसिन, त्यांना सगळं जे काही वाटलं तर तुम्ही मोठ्या याच्यामध्ये हॉस्पिटलला आपल्याला पाठवायचं आहे, ऍडमिट करायचं आहे, शिफ्ट करायचं तेही करा, बिलकुल काळजी करू नका। पैशाची बिलकुल आपल्याला तिथे त्यांचा जीव महत्वाचा आहे। हां हां, ओके ओके ओके, काही लागलं मला सांगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के शीघ्र प्राधिकरण की पहली बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे टेलीविजन प्रणाली के माध्यम से मंत्रालय में भाग ले रहे। इसमें मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव बलदेव सिंह आदि उपस्थित है। मानकापुर खेल परिसर में होने वाली संभवित सैन्य भर्ती के संबंध में पूर्व समीक्षा बैठक हुई। आर विमला की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर कार्यालय के छत्रपति हॉल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपस्थित रेजिडेंट डिप्टी कलेक्टर विजया बनकर, आरटीजी निदेशक एचएस धिल्लन, मेजर मनु नायर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी डॉक्टर शिल्पा खरबकर, विवेक इल्मे, परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी संजय पुरंदरे, पुलिस उपाधीक्षक जनार्दन भानुसे, कार्यकारी अभियंता निर्माण विभाग डॉक्टर संजय दुजानवर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस सेना भर्ती के लिए विदर्भ के 10 जिलों के उम्मीदवार आएंगे। सैन्य भर्ती 20 दिनों तक जारी रहेगी और प्रतिदिन 400 उम्मीदवारों का शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। मानकापुर खेल परिसर क्षेत्र में बैरिकेड्स, पुलिस सुरक्षा, डॉक्टरों की व्यवस्था, कैटरिंग सिस्टम, फायर ब्रिगेड, बिजली व्यवस्था, परिसर की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी, टेलीफोन और इंटरनेट की सुविधाओं पर चर्चा की गई। मानसून लगातार अपना असर दिखा रहा है। आज नागपुर में भी बारिश सुबह से अपना असर दिखा रही है और लगभग सारे इलाकों में से भारी बारिश की खबरें सामने आ रही है। मानसून विभाग ने भी तेज बारिश होने की जानकारी दी थी। इस बारिश से नागपुर वासियों को गर्मी से राहत मिली है। कई इलाकों में बारिश के कारण रास्तों में पानी जमा होने लगा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कहीं लोग नागपुर के अंबाझरी व फुटाला जैसे भागों में जाकर बारिश का आनंद उठा रहे हैं। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आपका स्वागत। वर्धा जिले के आरवी तालुका के खुबगांव खेत में असोलकर बंधु कई वर्षों से मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रहे हैं। इस पोल्ट्री फार्म में कुल 5,300 मुर्गियां थी। इसमें से अचानक 4,500 मुर्गियों की मौत को देख किसान स्तब्ध रह गए। क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण पोल्ट्री उद्योग में 4,500 मुर्गियों की मौत हो गई है। भारी आर्थिक नुकसान ने किसानों की चिंता और बढ़ा दी है। हेमंत असोलकर और गजानन असोलकर का पोल्ट्री फार्म में अब तक 4,500 मुर्गियों की मौत हो चुकी है और इस किसान को 10 से 12 लाख का नुकसान हुआ है। इसलिए इन किसानों ने शासन को मुआवजे की मांग की है। मी हेमंत असोलकर, पोल्ट्री फार्म है माझा। मैं साधारणतः 10 वर्षांमध्ये पोल्ट्रीचा बिझनेस चालू आहे। 10 वर्षापासून काल झालेला रात्री सतत पावसामुळे माझं आर्थिक नुकसान भरपूर झालेलं आहे। त्याच्यात माझे 4,500 कोंबड्या मरण पावलेल्या आहेत, 4,500 कोंबड्या मरण पावलेल्या आहेत। 5,000 माझी बॅच होती आणि मला याच्यात आर्थिक मी विकून तिकून व्याजानं पैसे आणले काढून मार्केटमधून, बँकेतून कर्ज उचललं आहे। आता माझं परिस्थिती काहीच राहिली नाही आहे, माझं पैसा नाही, काहीच नाही आता। पुरा मी ढासळलेलो आहे पूर्णपणे पैशाने आणि हेच नाही। आणि कालचं माझे पडदे फाटले, माझं पूर्ण उद्ध्वस्त झालेला आहे। आता माझं काहीच पर्याय उरलेलं नाही आहे, काहीच नाही आहे। आता मला कळत नाही आहे काय करावं काय नाही। आता ह्याचं मला आर्थिक नुकसान भरपाई कशी मिळेल, काय मिळेल? शासनाला दरबारी माझी प्रार्थना आहे का मला काही मदत देण्यात यावी, हे माझ्या शासनाला विनंती आहे। नुकसान झालं माझं 10 ते 15 लाखाच्या जवळपास नुकसान झालेलं आहे। युनायटेड किंगडम भी महाराष्ट्र जैसे सियासी संकट से जूझ रहा है। वहां भी राजनीतिक उथल पुथल मचा है। इस बीच ब्रिटिश मीडिया के हवाले से जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस्तीफा देने के लिए तैयार है। बता दें कि यूके के नए वित्त मंत्री नादिम जहावी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से इस्तीफा देने की अपील की थी। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री आप जानते हैं कि क्या करना सही है और अभी इस्तीफा दे दीजिए। सरकार पर संकट के बीच ब्रिटेन के शिक्षा मंत्री मिशेल डोनेलन को 2 दिन पहले प्रमोट किया गया था। उन्होंने गुरुवार को यह कहते हुए पद छोड़ दिया कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उन्हें एक असंभव स्थिति में डाल दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का गहरा दुख है कि यह बात सामने आई है, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो ईमानदारी को सबसे ज्यादा महत्व देता है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नागपुर, अकोला और बुलढाणा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर है। वह सुबह 11:30 बजे नागपुर एयरपोर्ट पहुंचे। इसके तुरंत बाद वह कार्यक्रम के लिए अकोला के लिए रवाना हो गए। हवाई अड्डे पर उनका केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मंडलायुक्त डॉ. माधवी खोड़े चौरे, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, कलेक्टर आर विमला, नगर आयुक्त राधाकृष्णन बी, नागपुर सुधार प्रणय के अध्यक्ष मनोज सूर्यवंशी, विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉ. छेरिंग दोरजे, संयुक्त पुलिस आयुक्त अश्वती दोरजे, पुलिस अधीक्षक विजय मगर ने सभी का स्वागत किया। नागपुर एयरपोर्ट पहुंचने के कुछ देर बाद ही वह अकोला के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके साथ गए। वह दोपहर 12:30 बजे पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह में मौजूद रहेंगे। इसके बाद वे दोपहर 3:30 बजे शेगांव के लिए रवाना होंगे। वह शाम 4 बजे शेगांव में गजानन महाराज मंदिर जाएंगे। इसके बाद वह शाम
4:30 बजे सरकारी वाहन से अकोला के लिए रवाना होंगे। अकोला से शाम 5 बजे श्री कोश्यारी नागपुर के लिए रवाना होंगे व रात भर राजभवन में ठहरेंगे व शुक्रवार सुबह 8 बजे नागपुर से मुंबई के लिए रवाना होंगे। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय का 36वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा 3,646 छात्रों को विभिन्न डिग्रियां प्रदान की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दीक्षांत समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।